करेंगे। दिख रहा क्लियर सभी को स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होगा ये है थोड़े ऑक्सीलोस्कोप है, ठीक है, CRO, ठीक है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वेव को मेजर करते हैं। एक्चुअली ये हमारा ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो हम जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उनको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल वेव फॉर्म, ठीक है। तो जो भी हमारे सिग्नल वेव फॉर्म्स होते हैं, जो वेव फॉर्म होते हैं किसी भी सिग्नल्स के, तो उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए हम CRO का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल वेव फॉर्म, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है हमारा CRO, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, इसको इन शॉर्ट हम CRO बोलते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, एक्चुअली ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज करेंट एंड पावर डिस्प्लेड इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के फंक्शन के रेस्पेक्ट में ये क्या करता है, वोल्टेज करंट या पावर को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, ठीक है। CRO जो होता है एक्चुअली ये स्क्रीन होती है, LED होती है, LED में वो वेव फॉर्म को क्या करता है, शो करता है। इसमें CRT होती है, कैथोड रे ट्यूब, जिसमें स्क्रीन होती है और इसी ट्यूब में ही सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। एक्चुअली जो इसकी स्क्रीन होती है फ्लोरोसेंट की स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंट की, इसी में आपका जो सिग्नल्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो करंट का एम्पलीट्यूड हो या पावर का, ठीक है, इन सारी चीजों को क्या करता है ये स्क्रीन पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, ठीक है, सभी सिग्नल्स वेव फॉर्म को, ओके। फॉर इट्स ऑपरेटिंग इट यूजर द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे विच आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड गिव अ स्पॉट ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एक इसकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेक्ट करता है और वो हमें हमारे फ्लोरोसेंट की स्क्रीन पे वो प्रेजेंट करता है, ठीक है, विजुअल प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमको दिखाता है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि इसके मेन बिल्डिंग डायग्राम में इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, CRT, कैथोड रे ट्यूब, पावर सप्लाई। तो जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं डियर, ये सारे हमारे ब्लॉक डायग्राम के पार्ट्स हैं, ये मेन पार्ट हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, डिले लाइन होती है, ट्रिगर सर्किट होता है, टाइम बेस जनरेटर होता है, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर होता है और CRT होता है और इसके बाद में पावर सप्लाई होता है। तो ये सारे इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, ये इस ब्लॉक डायग्राम के, ठीक है। हम आगे यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये CRO का आपका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हैं, ओके। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे इस ब्लॉक डायग्राम पे, तो ये CRO का आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पर एक CRT का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, CRT का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये डायग्राम को आप ध्यान दीजिए, ये आपका CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। ये इसकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। एक्चुअली यहाँ पर ही हमारी जो भी वेव होती है, जो साइन वेव है या जो भी हमारी स्क्वायर वेव है या ट्रायंगल वेव है, जो भी हमारी अल्टरनेटिंग करेंट्स की वेव्स होती हैं, हम उनको इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहीं पर हम उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं,
ठीक है, यहाँ पर विजुलाइज किया जाता है जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं। ओके, इसके बाद में हम इसके अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलग अलग ब्लॉक हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक आपका वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, इसके हमने जो ब्लॉक डायग्राम देखा था। फिर इसके बाद में इसका एक दूसरा कंपोनेंट होता है यहाँ पर डिले लाइन, ठीक है, सीआरटी होता है, सीआरटी मैंने ये बता दिया, ये पूरा जो सीआरटी होता है, ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सीआरटी है, ठीक है, ट्रिगर सर्किट होता है। इनके सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। टाइम बेस्ड जनरेटर होता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है, और आपने लास्ट में देखा था क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। इसमें दो प्रकार की पावर सप्लाई होती है, एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई और दूसरी होती है लो वोल्टेज पावर सप्लाई, ठीक है। तो हम चलिए इनके बारे में वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इनपुट, ये इनपुट सिग्नल क्या होता है बेटा, इनपुट सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसका हमें एक्चुअली मेजरमेंट करना होता है, या फिर जिसका हमें स्क्रीन पर विजुलाइजेशन देखना होता है, जो भी इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल वेव फॉर्म्स जो होते हैं, जो हमारे सिग्नल वेव फॉर्म होते हैं उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इनपुट में जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। एक्चुअली जो भी हमारा आउटपुट होता है, किसी भी अलग जो हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, करेंट, पावर, तो ये इन चीज़ों को हम यहाँ पर, इन दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सिग्नल को कहाँ पर भेजा जाता है, ये सिग्नल को वर्टिकल एम्पलीफायर में एज अ इनपुट हम सेंड करते हैं, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमने क्या किया है, इनपुट किया है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, हमने हमें जिसका मेजरमेंट करना है, हम उसको इलेक्ट्रिकल वर्टिकल एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं। अब ये क्या हो रहा है, जो एम्पलीफायर का यहाँ पर जो वर्टिकल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन है, जो भी हमारा सिग्नल होता है जिसका मेजरमेंट करना होता है, उसको स्ट्रांग करना, क्या होता है कि जो हमें मेजरमेंट जिसका करना होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इतना बड़ा सिग्नल नहीं होता है कि हम उसको डायरेक्ट मेजर कर सके, तो हम पहले उस सिग्नल को पहले स्ट्रांग बनाते हैं, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको स्मॉल सिग्नल से स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसका मेजरमेंट कर सकें। तो बेसिकली जो एम्पलीफायर है इसका काम क्या है कि वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है, मेजरेबल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करना। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ये डिले लाइन है, जो भी हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट होगा वो डिले लाइन में इनपुट कराते हैं। अब इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है ये यहाँ पर इनपुट कर रहा है आपके डिले लाइन में, और कुछ पार्ट को हम कहाँ पर इनपुट करा देते हैं, कुछ पार्ट को हम ट्रिगर सर्किट में इनपुट करा देते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट हम ट्रिगर सर्किट में इनपुट करा देते हैं। इसके बाद में देखिए, अब हम यहाँ पर हम डिले लाइन और ट्रिगर सर्किट को मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। डिले लाइन का मेन फंक्शन होता है कि ये डिले प्रदान करता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए डिले प्रदान करता है, ताकि देखो दो प्रकार के यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे हैं, एक तो आपका सिग्नल यहाँ से जाता है जो कि यहाँ पर आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में जाता है, जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में जाता है, और दूसरा जो सिग्नल होता है वो यहाँ से आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में जाता है। इन दोनों सिग्नल के टाइम को क्या करने के लिए, सेम करने के लिए, ताकि दोनों कहाँ पर, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में, दोनों में समान रूप से हमारा, दोनों में समान रूप से एक ही साथ एक ही टाइम पे सिग्नल पहुंचना चाहिए, उसके लिए जो डिले लाइन होता है ये टाइम को एडजस्ट करता है, ठीक है, ताकि जो भी हमारा सिग्नल है वो एक साथ दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर पहुंचे, ठीक है। तो टाइम एडजस्ट करने के लिए डिले लाइन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक्चुअली ट्रिगर सर्किट क्या होता है। तो ट्रिगर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो हमारे सिस्टम को ट्रिगर करने का काम करता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या करता है कि ट्रिगर करता है, मतलब ट्रिगर करना का मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए पल्स को प्रोवाइड करना, जिससे हमारा सिग्नल ऑन हो जाए। ट्रिगर मतलब होता है कि एक तरह से सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए ट्रिगर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ से ये किसको सिंक्रोनाइज कर रहा है, टाइम बेस्ड जनरेटर को। टाइम बेस्ड जनरेटर एक ऐसा सिग्नल होता है, मतलब एक ऐसा पार्ट होता है सीआरओ का, जो कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या उत्पन्न करता है, वेव फॉर्म उत्पन्न करता है, चाहे वो स्क्वायर वेव हो या हेक्सा वेव हो, ठीक है, मतलब कि अलग अलग प्रकार की ट्रायंगल वेव, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की वेव को जनरेट करता है, इसलिए इसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारे वेव्स को यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जनरेट करता है, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगल वेव, ट्रायंगल वेव, हेक्सा
टूथ वेव, इस तरह से अलग अलग प्रकार की वेव्स को यहाँ पर जनरेट किया जाता है। और इसके बाद में ये वेव इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं फिर से कि इनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये जब इनको अलग अलग वेव में कन्वर्ट किया जाता है तो इनके जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जब सिग्नल वीक होंगे तो फिर से हम अब ये हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में अप्लाई करते हैं ताकि उनको फिर से मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो जो भी हमारा वीक सिग्नल टाइम बेस जनरेटर से हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में जो इनपुट करता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में आउटपुट कराते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमको मिल जाता है, ठीक है, जो कि किसमें हम हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो एम्पलीफायर है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा हॉरिजेंटल एम्पलीफायर होता है वो आपका हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिग्नल जाते हैं। अब इनका एक्चुअली वर्क क्या होता है मैं इनको आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर दो आप इसका एक यहाँ पर आप देखोगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और दूसरा यहाँ पर आपका होता है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होता है, ये वर्टिकली हमारे सिग्नल को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये इस फॉर्म में वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा क्या वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यहाँ से जो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन बीम होती है जो कि हमको यहाँ से लेजर प्रोवाइड करती है, यहाँ से एक तरह से जो लेजर्स हैं उसको इंजेक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन जो होता है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को हमारा जो वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट होती है और जो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट होती है ये एक्चुअली हमारे सिग्नल्स को जो इलेक्ट्रॉन बीम गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड की जाती है उसको एक तरह से रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है, इसी प्रकार से जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है वो अब हॉरिजॉन्टली जो क्षैतिज रूप से डिफ्लेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। जो हमारी मैग्नीट्यूड होती है, जो हमारे वेव्स होती हैं उनकी हॉरिजॉन्टली किस तरह से डिफ्लेक्शन होगा वो कौन प्रोवाइड करता है, वो हमारा प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारा जिस प्रकार से जो भी एक्टिविटी होती है, जो हमारा वेव्स होती हैं, चाहे वो एसी के लिए हम जैसे बात करें हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर, तो ये उनका हम विजुलाइजेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब ये इनका डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है कि वर्टिकल कितना डिफ्लेक्ट होना है, हॉरिजॉन्टल कितना डिफ्लेक्ट होना है, उनके इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह से आप जिस मैग्नीट्यूड का करंट वोल्टेज या पावर अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल्स को डिफ्लेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें उसी के अकॉर्डिंग वेव फॉर्म दिखाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उतने ही मैग्नीट्यूड के वेव फॉर्म आपको सीआरटी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट आपका ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा था, एक क्या यहाँ पर होता है पावर सप्लाई में दो पोर्ट होते हैं, एक हाई वोल्टेज का पोर्ट होता है और एक लो वोल्टेज का पोर्ट होता है। दोनों को अलग अलग प्रकार से सप्लाई करना होता है। जो हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज का आवश्यकता कहाँ पर होती है, हमारे सीआरटी को चलाने के लिए, सीआरटी को कंडक्ट करने के लिए या सीआरटी को ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर सीआरटी को पावर सप्लाई देते हैं यहाँ से हाई वोल्टेज से। और जो लो वोल्टेज होते हैं, जितने भी हमारे सर्किट होते हैं, ऑल सर्किट, जैसे कि ट्रिगर को देना है, यहाँ पर सप्लाई देना है, यहाँ सप्लाई देना है, इन ब्लॉक्स में सप्लाई देना है, तो यहाँ पर हम सप्लाई किसके द्वारा देते हैं, लो वोल्टेज के द्वारा। ये जितने भी अलग अलग ये बाहरी ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ये सारे लो वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं और ये फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल आपका ये जो आपका यहाँ पर सीआरटी और जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, मतलब सीआरओ है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपको देखेंगे तो कुछ थ्योरी आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये थ्योरी दिखाई गई है वर्टिकल एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से वो सिग्नल वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में चेंज कर रहा है, किस तरह से इसका फंक्शन होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया वो सारी चीज़ों को यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिखा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार क्या कीजिए, रीड कीजिए, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, एक्चुअली सिग्नल वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और इसका जो आउटपुट है वो डिले लाइन को प्रोवाइड करता है, और कुछ पार्ट इसके आउटपुट का ये हमारे ट्रिगर सर्किट को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद डिले लाइन होता है, डिले लाइन का
मेनली क्या फंक्शन है यहाँ पर, ये हमारे सिग्नल्स को डिले प्रोवाइड करता है, कुछ सेकेंड, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए डिले प्रोवाइड करता है, और जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में जाने वाले सिग्नल्स हैं उनको एक्चुअली सेम टाइम में क्या करता है, भेजने का काम करता है, ठीक है, टाइम मैच करता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप ट्रिगर सर्किट देखेंगे, ट्रिगर सर्किट एक्चुअली जो आपका सीआरओ है उसको सिंक्रोनाइजिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, टू सिंक्रोनाइज अ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन विद वर्टिकल डिफ्लेक्शन, असिंक्रोनाइजिंग एंड ट्रिगरिंग सर्किट इज यूज्ड।